तो लोगों से फिल्म के बारे में बहुत सुनने के बाद आखिरकार मैंने एनिमे मूवी योर नेम देख ली और सच में ये मूवी कमाल है। सबसे माइंड ब्लोइंग चीज है इसकी स्टोरी। इस तरह से खूबसूरत स्टोरी को बहुत ही खूबसूरत एनिमे कैरेक्टर के साथ बुना गया है, जिसे आप धीरे धीरे देखते देखते भूल जाओगे कि आप एक एनिमे मूवी देख रहे हो, क्योंकि इस मूवी की हर चीज, हर मोशन, हर साउंड एक रियल फील कराती है। और फिल्म के सीन्स तो ऐसे हैं जो आपके लिए एक सपनों की दुनिया बना देती है। और फिल्म की स्टोरी की बात करें तो ये कहानी एक लड़का और लड़की की है। वैसे कहानी तो लड़का और लड़की की ही होती है, बाकी लोग तो बस जी रहे हैं। तो लड़की का नाम है मित्सुआ, जो जापान के एक गांव में रहती है, जो एक हाई स्कूल की स्टूडेंट है। वैसे मित्सुआ अपने गांव से उब चुकी है और वह चाहती है कि अगले जन्म में वो टोक्यो का कोई लड़का बने, लेकिन उसके लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिससे सब कुछ बदल जाता है। मित्सुआ का शरीर कभी कभी टोक्यो में रहने वाला एक ताकी नाम के लड़के के साथ स्विच होता है, जो एक बार नहीं बल्कि कई बार होता है। सीधी भाषा में बोले तो मित्सुआ के शरीर में ताकी की आत्मा आ जाती है और ताकी के शरीर में मित्सुआ की, दोनों एक्सचेंज हो जाते थे, जिससे उनके लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो जाता था। लेकिन एक चीज़ मानना पड़ेगा, जापान अपने कार्टून और एनिमे मूवीज से अपने कल्चर को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया है, और ये चीज़ आपको योर नेम में भी देखने को मिलेगा। वहां के कल्चर कैसे होते हैं, रीति रिवाज कैसे होते हैं, टेंपल कैसे होते हैं, इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा। इस चीज़ को फिल्म में बहुत ही चालाकी और खूबसूरती के साथ जोड़ दिया गया है, जो फिल्म का एक अहम हिस्सा भी होता है। जब मित्सुआ और ताकी शरीर बदलते हैं तो एक दूसरे के लिए फोन में मैसेज छोड़ देते हैं, ताकि अगली सुबह जब वो नॉर्मल हो जाए तो वो मैसेज पढ़कर एक दूसरे से बात कर सके। कुछ समय के बाद दोनों का शरीर बदलना बंद हो जाता है। फिर ताकी अपने दोस्तों के साथ मित्सुआ को ढूंढने निकलता है, लेकिन ताकी को मित्सुआ के गांव का नाम पता नहीं होता है। जैसे तैसे वो पता करके उस गांव में पहुंचता है। उसे गांव में पहुंचने के बाद पता चलता है कि आज से 3 साल पहले एक धूमकेतु धरती से टकराई थी, जिससे गांव के 500 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें मित्सुआ भी थी। और ये बात मित्सुआ ने ताकी को बताया था कि धरती के बहुत करीब से धूमकेतु गुजरने वाला है, जिसे वो देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। लेकिन मित्सुआ को यह पता नहीं था कि ये धरती से टकराएगी। लेकिन ये फिल्म यही खत्म नहीं होती, इसके बाद जो होता है वह एक अलग ही सीन बनाता है। लेकिन ये मूवी में एक और चीज है कि इस फिल्म में आपको फुल लव स्टोरी ही नहीं दिखाया जाएगा। इस फिल्म के शुरुआती के बहुत सारे समय बॉडी एक्सचेंज में ही निकल जाता है, लेकिन उसके बाद जो आपको इंतजार है वो चीज दिखाया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप ये बता सकते हो कि इस फिल्म ने कितनी कमाई की होगी? आप बोलोगे कि एक एनिमे मूवी कितना ही कमा पाएगी, तो मैं आपको बता दूं, इस फिल्म ने यानी योर नेम ने पूरी दुनिया में 3,000 करोड़ से भी अधिक की कमाई की है, और ये जापान की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवी है। तो आप भी देखो, अगर आपको एनिमे मूवी पसंद है तो आप योर नेम देखो, मजा आएगा। और मैं फिर मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में किसी अगली मूवी के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय।